तो यार जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा FFIC फॉल 2021 था उसको हमारी टीम इलीट ने एक पॉइंट से जीत लिया है, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना वीडियोस बनाया जाए जो हमारे टीम इलीट के सारे प्लेयर्स हैं उनके ऊपर, उनकी जर्नी के ऊपर। सो आज की जो ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है, ये होने वाली है हमारे टीम इलीट के वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर प्लेयर जो कि है हमारे पहाड़ी गेमिंग। अगर आप उनके फैन हो तो आप ये वीडियो पूरा देखोगे ही देखोगे, लेकिन अगर आप उनके फैन नहीं हो तो भाई अगर आप ये वीडियो देखने के बाद उनके फैन बन जाओगे, उनकी जो स्ट्रगल रही है, उनकी जो जर्नी रही है, वो आपको देखना मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो वीडियो में एंड तक बन रहना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वी आर वेरी 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 क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स। तो इनका जो रियल नेम है वो है लोकेश काराकोटी, एंड टीम इलीट से आने से पहले इनके खुद की टीम भी थी जिस टीम में थे राकेश, पहाड़ी गेमिंग, ब्लैक हॉक एंड ताहिर। मतलब ये टीम अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसके जो प्लेयर्स थे मतलब उतने ज्यादा सीरियस नहीं थे ई-स्पोर्ट्स के अंदर। एंड जो ब्लैक हॉक, उन्होंने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारा फ्री फायर गेम उसको खेलना छोड़ दिया था इन द सेंस को ना, मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया था फ्री फायर खेलना। फिर जो हमारी टीम थी उसमें बस जो हमारे पहाड़ी गेमिंग थे वही ई-स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, एंड वो दिन रात लगे रहते थे, मतलब वो ग्रैंड करते थे कि वो ई-स्पोर्ट्स में कुछ करेंगे, लेकिन जो उनकी टीम थी वो ई-स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, वो मतलब होता ना कि ग्रैंड करो मतलब उतना अच्छा ग्रैंड नहीं कर रही थी। तो पहाड़ी गेमिंग अपने इस टीम से नाखुश थे, उन्हें एक ऐसी टीम चाहिए थी जो टीम ई-स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जो चाहती हो कि हाँ भाई मेरे को ई-स्पोर्ट्स खेलना है, मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मेरे को मतलब ई-स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना है। पहाड़ी गेमिंग को ऐसी एक टीम चाहिए थी, एंड उस टाइम जो हमारे पहाड़ी गेमिंग थे वो थे हमारे गुच्ची गैंग में, जो कि उस टाइम की एक बहुत ही बड़ी गिल्ड हुआ करती थी। उसमें अभी के टाइम के बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बिलोंग करते थे, जैसे कि हमारे स्काईलॉर्ड थे गुच्ची गैंग में, जो हमारे जेक्सर एक्स डिवाइन अभी भी है गुच्ची गैंग में, भी एलवीएल हो चुका है, ताहिर, फ्यूगो, मी, जस्टमुल, जितने भी प्लेयर्स हैं ये पहले हमारे गुच्ची गैंग में हुआ करते थे, एंड तनेजो भी पहाड़ी में हमारे गुच्ची गैंग में हुआ करते थे। तो एक टाइम मतलब एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल गिल्ड थी, तो कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से जो हमारे पहाड़ी गेम है उनको भी टारगेट किया गया था, उनको भी बहुत बार हेट किया गया था। तो उस टाइम फिर जो हमारे पहाड़ी गेमिंग उनको मिला जॉन्टी गेमिंग, जिनके पास एक टीम नहीं थी टूर्नामेंट के लिए। तो पहाड़ी गेमिंग ने पूछा कि जॉन्टी भाई क्या मैं आपकी टीम से टूर्नामेंट खेल सकता हूँ, तो जॉन्टी गेमिंग के पास प्लेयर थे तो उन्होंने कहा कि हाँ पहाड़ी भाई आ जाओ। तो जब उन्होंने टूर्नामेंट खेला तो पहाड़ी गेमिंग ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, एंड जो हमारे जॉन्टी गेमिंग उनको उनका जो मतलब गेम प्ले बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड उन्होंने पहाड़ी गेमिंग को टीम में इन्वाइट किया। फिर उसके कुछ टाइम बाद जो हमारे पहाड़ी गेमिंग ने तनेजो पे कोई टीम में लिया, फिर आइकॉनिक ने किलर को बुलाया, मतलब ये लाइन अब बन चुकी थी, अब इनको तलाश थे एक और की। तो जो और या क्रिटिकल एक्स, उन्होंने इनको हायर किया था एज देयर ऑफिशियल लाइनअप। तो उस टाइम की जो हमारी क्रिटिकल एक्स की लाइनअप थी वो थी हमारी CRX जॉन्टी, CRX पहाड़ी, CRX किलर, CRX आइकॉनिक एंड हमारे CRX तनेजा ओपी। तो ये थी हमारी 5-man लाइनअप हमारे CRX इलीट की, एंड इस टीम को मैनेज करते थे हमारे रॉकी एंड RDX जो कि उस टाइम पे थे CRX रॉकी। तो CRX इलीट बनने के बाद ये जो टीम, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने अपने नाम बहुत सारे अचीवमेंट्स लाए, जैसे कि एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था इनका FFIC 2020, जहाँ पे इन्होंने सेकंड पोजीशन ग्रैब किया था, जहाँ पे रनर अप्स थे। एंड जो हमारे पहाड़ी गेमिंग थे, जो हमारे लोकेश भाई थे, वो थे हमारे MVP फाइनल्स के, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स बनाए, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, फिर एक ऐसा दिन आज हमारी CRX इलीट उनके फैंस कभी नहीं चाहते थे, वो था कि जो हमारी CRX इलीट है मतलब वो खत्म होने वाली थी, मतलब उस दिन के बाद से CRX इलीट नाम की कोई भी टीम दिखने को नहीं वाली थी। ये बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि जो हमारी क्रिटिकल एक्स और थी, उन्होंने जो हमारी टीम इलीट थी उस टाइम जो CRX इलीट थी उनको मतलब निकाल दिया था, एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मतलब निकाल दिया था उनके बैड बिहेवियर के चलते। तो इसके ऊपर जॉन्टी गेमिंग ने भी कुछ कहा था, तो उन्होंने क्या कहा था मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो CRX है वो हमें निकाल रही है, लाइक ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ गलती है, ऐसा है कि हमारा बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था तो इस वजह से हमको CRX ने निकाला है। तो उसके बाद एक न्यू जर्नी चालू हुई जो कि थी हमारी टीम इलीट की, एंड वो लाइनअप सेम ही थी, बस उनका नाम चेंज हो गया था CRX इलीट से टीम इलीट। एंड उसके बाद जो उनकी कंसिस्टेंसी टीम इलीट की, भाई आपको पता ही है क्या मस्त कंसिस्टेंसी थी, एंड उस टाइम जो हमारी पहाड़ी उनको स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। फिर एक टाइम जो हमारे पहाड़ी गेमिंग है मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए थे, एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि मतलब वो ई-स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे।
माय ट्रॉफी वेस्ट, एफएफआईसी फर्स्ट रनर अप वेस्ट, एमवीपी इन एफएफआईसी वेस्ट, मेरी सारी अचीवमेंट जो मैंने अपनी टीम के साथ हासिल की थी सब वेस्ट। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस स्पोर्ट प्लेयर बनने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ गेम खेलने का और इसे 1.5 साल देने का। हाँ मैं गलत हूँ। इसके बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि वो अब से ई स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, लेकिन जो हमारे जॉन्टी भाई वो इन सब के बड़े भाई है एंड उन्होंने कैसे ना कैसे करके पहाड़ी गेमिंग को मना लिया कि भाई तुझे ई स्पोर्ट्स खेलना है, अगर तू नहीं खेलेगा तो मैं भी ई स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दूंगा। एंड ये एक बार नहीं है कि जो हमारे जॉन्टी गेमिंग मतलब टीम लीड टूटने से बचा रहे, ऐसे एक बार हुआ था कि जो एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी हमारी पहाड़ी गेमिंग एंड किलर एफएफ के उसमें, तो उस टाइम भी जो हमारे जॉन्टी गेमिंग मतलब टीम को बचा लिया था उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हौसला दिया था एंड जो टीम लीड टूटने वाली थी उन्होंने उसको टूटने से बचा दिया था। सो लॉट्स ऑफ लव टू हमारे जॉन्टी भाई। तो फिर जो हमारे पहाड़ी गेमिंग ने फैसला लिया था कि वो ई स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे उन्होंने वो मतलब रद्द कर दिया, मतलब उन्होंने कैंसिल कर दिया एंड फिर वो ई स्पोर्ट्स खेलने लगे एंड फिर उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स बनाए अपनी टीम के साथ, टीम इलीट के साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स एंड वो हमारी फ्री फायर इंडिया में मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट टीम है जो रनर अप रहती, कोई भी टूर्नामेंट हो रनर अप रहती रहती है। एंड अभी रिसेंटली भाई मतलब एक दिन पहले उन्होंने एफएफआईसी भी जीता जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इनका एक कर्ज था कि मतलब आज तक कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट विन नहीं किए थे जिसकी वजह से इनको ट्रोल किया जाता था कि मतलब ये मतलब हर टाइम बस रनर अप ही होते, कभी इन्होंने विन नहीं किया, तो उन्होंने कर्ज को भी तोड़ दिया। सो लॉट्स ऑफ लव टू पहाड़ी गेमिंग, लॉट्स ऑफ लव टीम एलीट एंड हैशटैग दिल से एलीट। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।